हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सर्कल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास के लिए तैयार हो जाइए, और सबसे पहले तो इस लेक्चर को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट हुआ है, एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ़ ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए ओ सी इज़ अ डायमीटर एंड ए टी इज़ अ टेंजेंट एट ए एज शोन इन फिगर, प्रूफ दैट एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। देखिए स्टूडेंट्स, इसका फिगर यहाँ पर दे रखा है। चलिए तो सॉल्यूशन यहाँ पर डालते हैं हम, और सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ में हमें ज़रूरत कौन से एंगलों की है, बी ए टी और ए सी बी। तो अगर मैं ए सी बी की तरफ जाऊँ पहले, तो ध्यान रखना सब कुछ होगा। तो ए सी बी एंगल आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिस पर एंगल ए सी बी आ सके? यस, अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल में ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊँ, ठीक, तो यहाँ पर लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। आप लिख सकते हैं ऐसा, तो एंगल ए सी बी, देखिए ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी एंड प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप रीजन लिख लेना, ठीक है, मैंने छोटा सा बॉक्स बना दिया है। नेक्स्ट में देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी बनता है आपके एग्जाम के लिए। वो ये, इस पर एक क्लास 9th की एक थ्योरम यहाँ पर एक यूज़ होने वाली है, जिसे हम कह रहे हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। राइट, तो आप समझ गए होंगे क्या है वो थ्योरम, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, इसमें सेमी सर्कल पर कोई भी एंगल बनेगा तो वो राइट एंगल, मतलब वो 90 डिग्री का होगा। तो देखिए, ये है सेमी सर्कल, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पर एक एंगल बन रहा है। देखिए, अब ये एंगल कहाँ से बन रहा है, इसमें इस डायमीटर के एंड पॉइंट से बन रहा है। ये डायमीटर है सर्कल का, इसके एंड पॉइंट कौन है, ए और सी। यहाँ से देखिए, एक एंगल बन रहा है सर्कल पर, तो ये जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, जो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। चलिए, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ए बी सी क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें और लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, वो क्या, कि सिंस एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो यहाँ से मतलब स्वयं देखिए क्या हुआ, जो आपका एंगल ए बी सी है वो तो 90 डिग्री हो गया। तो इसे हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए, तो एंगल ए सी बी प्लस ए बी सी की जगह पर 90 कर लेते हैं। चलिए, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखिए काफ़ी आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ए सी बी की ज़रूरत है, तो चलिए मैं ए सी बी को ऐसे का ऐसा ही रखूँगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब बात करते हैं बी ए सी। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है उस पर बी ए सी एंगल नहीं है, इसका मतलब अब आपको बी ए सी को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, बी ए सी को रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब कहाँ पर है बी ए सी चेक करते हैं, बी ए सी। और एक प्रॉपर्टी और है इसमें, देखिए आपको बी ए टी की ज़रूरत भी है, बी ए टी की ज़रूरत भी है। तो सी ए टी को जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आपने एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो तो टेंजेंट होता है स्टूडेंट, सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। कहाँ से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो यहाँ पर हमें अच्छी और लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट, सिंस टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, मैं ऊपर कर लेता हूँ, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए, इस क्वेश्चन को आप सभी क्लियर कर लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया। यस, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बोर्ड एग्जाम टारगेट करता है, आपके क्वेश्चन पेपर बनाता है वहाँ से। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या है, बहुत सिंपल है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली किसी एक पॉइंट पर टच करती है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। अब ये रेडियस है और ये भी रेडियस, मतलब पूरा क्या है, डायमीटर। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल
सी ए टी जो है वो 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? चलिए तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से ना, अब सी ए टी के अंदर को दो एंगल दिख रहे हैं आपको, सी ए टी किसी दो एंगल के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इससे और इससे, तो किस किस से बन रहा है, बी ए सी प्लस एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सिंपल हो गया स्टूडेंट। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, बी ए सी को हटाना था ना, तो बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए टी। चलिए तो इस चीज़ को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। मैं लिख सकता, ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट एंगल बी ए सी इन इक्वेशन फर्स्ट। आ जाइए, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो आइए सुन, देखिए एंगल ए सी बी प्लस 90 डिग्री, ठीक है, और प्लस बी ए सी की जगह देखो 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए टी लीजिए स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। देखिए 90 प्लस 90 180, ऑल राइट, और 180 और ये प्लस का 180 कट गए आपस में, तो एंगल ए सी बी माइनस बी ए टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए टी। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप सभी इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। ये प्रूफ कैसे हुआ आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूफ। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इस क्लास को जितना हो सके एक बार शेयर कर देना, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अब आप लोगों से हम अगली क्लास में। थैंक यू।